देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और उत्तराखंड को बने 22 साल। लेकिन विकास की बात करें तो उत्तराखंड राज्य के सीमावर्ती जिलों से जुड़े दूरस्थ गांवों की हालात आज भी जस की तस है। जब भी उत्तराखंड में विकास की बात आती है तो सबसे पहले सरकार उत्तराखंड के गांवों में सड़क पहुंचाने की बात करती है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तराखंड में 15,745 राजस्व गांव हैं, जिनमें 2,551 गांव में आज भी सड़क नहीं है। उत्तराखंड का सीमावर्ती जिला चंपावत, जिसके कई गांव आज भी सड़क विहीन है। इसका एक गांव भंडार बोरा है, जो कि चंपावत जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर है। ये गांव आज भी सड़क के लिए बाट जो रहा है। दुनिया कहती है कि चंपावत जिला हम निकट ही हुए, लेकिन यहाँ की स्थिति देखा जाए तो बहुत विकट है। निकट की जगह विकट है। हमें यहाँ पर कोई अगर दुख तकलीफ की परेशानी कोई समस्या आ गई, एक बुखार भी आ गया तो सर 7 किलोमीटर दिगाली चौड़ मार्केट जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। अगर रात के बीच में कोई ऐसी दिक्कत होगी परेशानी होगी तो 10 आदमी हमें चाहिए डोली बना के उसको रोड हेडमेल पहुंचाने के लिए, फिर वहां से गाड़ी की सुविधा करने के लिए, फिर वहां अस्पताल में ले जाने के लिए। तब तक तो हमारी महिलाएं यहां अधिक से पीड़ित हो जाती हैं। रोड न होने के कारण ये बहुत ही बिछड़ गया गांव, यहां के लोग प्लान हो जाते हैं। वर्तमान में चंपावत से मंचतमली सड़क से अन्य गांव को जोड़ने के लिए सड़क कटान चालू है, जो भंडार बोरा से महज कुछ किलोमीटर दूर बसौटी और रॉकुवर गांव तक हो रहा है, लेकिन भंडार बोरा तक सड़क नहीं आ रही। नदी में से पानी पीते हैं, नदी आ गई तो फिर गंदा पानी पीना पड़ता है, खा रहा है, हम चल ही नहीं पा रहे हैं ऊपर को। इतना रास्ता तुमने देखा ही है, इतना बना रहे जाते हैं तो बच्चे भी गोली में ले जाते हैं। वर्ष 2007 में भुवन चंद खंडूरी सरकार के कार्यालय में स्वीकृत 11 किलोमीटर सड़क का निर्माण 13 सालों से लंबित है। आलम यह है कि अस्पताल न होने के कारण मरीजों और गर्भवती महिलाओं को डोली के सहारे कई किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। पानी की समस्या है, आने जाने की समस्या है, पढ़ने की स्कूल की समस्या है, सारी समस्या है। हो जाए तो 2-3 किलोमीटर चलना पड़ता है पैदल, डोली ला के जाना पड़ता है किसी को आदमी को। रोड तो है नहीं यहाँ पे, रोड है नहीं कुछ नहीं, समस्या ही समस्या है सारी, कोई सुनता ही नहीं। कर्मचारी बन जाते हैं बोर्ड लेने के लिए, फिर हो गया हमको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कुछ नहीं। भंडार बोरा के ग्रामीणों ने गांव तक रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए साल 2019 में लोकसभा चुनाव में वोट न डालकर चुनाव का बहिष्कार किया था और मतपेटियां खाली वापस भेज दी गई थी। बावजूद इसके शासन प्रशासन की ओर से भंडार बोरा को आज तक सड़क से नहीं जोड़ा जा सका है। हम सरकार से सर्वप्रथम एक गुजारिश करते हैं, उसके बाद जो भी सीमित सरकार की हमें योजनाएं मिलते हैं काश रुपए में से 50% मिलती है हम उसका संतुष्ट हैं। सर्वप्रथम हमें रोड चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद है, हम कहाँ जाएं। कुछ दिन पहले आवाज इंडिया के संपादक सुनील मेहता द्वारा मुख्यमंत्री धामी को उत्तराखंड के विकास को लेकर 5 महत्वपूर्ण बिंदु सुझाए थे, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने मुहर भी लगाई और पत्र को संबंधित विभागों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। हालांकि कार्यवाही कब तक होती है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। उत्तराखंड में 2500 से अधिक गांव भंडार बोरा की तरह आज भी सड़क विहीन है। कई बार समाज सेवियों, पत्रकारों और राजनेताओं ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लेकिन आज तक विकास के नाम पर केवल झूठे वादे ही उत्तराखंड की ग्रामीण जनता को मिले हैं। वर्तमान में चंपावत जिला मुख्यमंत्री धामी का विधानसभा क्षेत्र भी है, जहां मुख्यमंत्री विकास कार्यों को लेकर लगातार भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन क्या धामी अपने कार्यालय में उत्तराखंड के प्रत्येक गांव तक सड़क जोड़ पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक गलियारों में हमेशा उत्तराखंड के विकास का मुद्दा
उठता रहा है, जिसमें सड़क, चिकित्सा, रोजगार और पलायन पर राजनेता हमेशा मुखर होकर बोलते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की, विकास की बातें उत्तराखंड बनने से लेकर आज तक हो रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन में बैठे उत्तराखंड के रहनुमाओं को सड़क विहीन होने का दंश भंडार बोरा जैसे गाँव में पैदल जाकर और कुछ दिन बिताकर समझना होगा। तब शायद एहसास होगा कि भंडार बोरा जैसे गाँव के निवासियों की आधी जिंदगी तो पैदल चलने में ही गुजर जाती है और आधी मूलभूत जरूरतों से लड़ते हुए। आवाज इंडिया की भंडार बोरा से ग्राउंड रिपोर्ट।